नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने मंगलवार को मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उनकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें से लोकसभा चुनाव में पार्टी को दिए गए प्रचंड बहुमत के लिए लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं ही या संभवतः ही 18 अगस्त को कालका में जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ करेंगे। वहीं 8 सितंबर तक चलेगी ये यात्रा। यह इस दिन एक विजय संकल्प रैली के रूप में भी समाप्त होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री 14 जुलाई को हर जिले में रागिरी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और हर जिले में यह सुबह 1 घंटे की अवधि का होगा। मुख्यमंत्री हिसार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और इसके माध्यम से रागिरी कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे और अब तक जितने भी रागिरी कार्यक्रम चलाए गए हैं उनमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले, भागीदारी करने वाले और गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक प्रभुत्व लोगों को सम्मानित किया जाएगा। आप देख रहे हैं पल-पल की विशेष रिपोर्ट। कल सायं हमारे मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक कल मुख्यमंत्री निवास पर हुई। कई बिंदु ऐसे हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और ज़रूरी भी हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों का आभार प्रकट करने के लिए पन्ना प्रमुख BLA 2 हमारी बूथ की कमेटी, उसके ऊपर सप्ते के अंदर प्रमुख पालक और उसके साथ साथ मंडल के और जिला के और प्रदेश के जितने भी लोग हैं उन सभी से मिलकर जो लोकसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, परंतु बहुत से बूथ ऐसे भी हैं, लोकसभा जीतते हम उस विधानसभा से जीतते परंतु बहुत से बूथ ऐसे हैं किसी न किसी कारण से उनमें हम पिछड़े। उन बूथों में जहां हम पिछड़े हैं किस प्रकार से लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सरकार की लाभकारी योजनाएं जो उनसे अवगत कराया जाए और एक मोमेंटो खड़ा किया जाए कि वो बूथ भी हम विधानसभा चुनाव में जीते। इसके लिए सभी मंत्रियों की, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने 3-3 विधानसभा क्षेत्र सभी विधायकों को, मान्य सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेवारी दी है और वो काम हमारा लगातार 16-17 तारीख तक, लगभग जुलाई तक पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों नारा दिया था कि इस बार 75 पार, और 75 पार करने के लिए उस प्रकार की रणनीति की भी जरूरत होती है और योजना की जरूरत होती है और जनता के बीच में जाने की आवश्यकता होती है। तो टेंटेटिवली 18 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा एक हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों, 22 के 22 जिलों में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर जा रहे हैं। टेंटेटिवली वो 18 अगस्त से हम शुरू करने की योजना है और संभवतः उसकी शुरुआत भी काली देवी मंदिर कालका से उसकी करेंगे और लगभग 8 सितंबर को, वही एक दो दिन का अपडाउन अभी पर बन रहा है, हो सकता है लगभग 8 सितंबर को एक विजय संकल्प रैली, उसके समापन पर बड़ी हरियाणा प्रदेश की एक रैली की जाएगी। इसकी भी एक योजना बनाई गई है रात बैठ के। अभी वो सब सारी चीज़ मैं टेंटेटिवली कह रहा हूँ, अभी मैं जब फाइनलाइज लिस्ट आ जाएगी वो भी आपके सामने। 14 जुलाई को जिला स्तर पर राहगिरी करने का एक योजना माने मुख्यमंत्री जी ने तय किया और माने मुख्यमंत्री जी राहगिरी के इस कार्यक्रम में हिसार में स्वयं रहेंगे, आज सभी जिलों में एक साथ होगी और पहले राहगिरी का कार्यक्रम होगा, उसके बाद 1 घंटे का लगभग कार्यक्रम जिन लोगों ने आज तक जिस भी जिला स्तर पर राहगिरी के अंदर या कोई और सामाजिक और धार्मिक कामों के अंदर कोई अच्छे पार्टिसिपेशन किया है उन लोगों को सम्मानित करने का प्रोग्राम है और कुछ प्रमुख लोगों को स्वयं मुख्यमंत्री जी हिसार के अंदर भी सम्मानित करेंगे।